देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी की नेता निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम धर्म को लेकर और कांग्रेस पार्टी क्या मुस्लिम पार्टी है, ये सवाल रक्षा मंत्री ने राहुल गांधी से पूछ लिया है। 2019 के चुनाव धर्म के आधार पर लड़ना चाहिए। हमें डर है कि अब से जितने भी कम्युनली सेंसिटिव एरियास में या तो कहीं भी दंगे फंसाने के लिए कुछ षड्यंत्र क्या होगा क्या, अगर कम्युनल टेंशन होती है उसका पूरे जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर होगा, क्योंकि इस वार्तालाप में वो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के बीच में कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम पार्टी ऐसे घोषणा की है। मैं श्री राहुल गांधी से ये पूछना चाह रही हूं, क्या कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम पार्टी है? ये तो अगर हां बोलेंगे, बिल्कुल वो बोल भी गए हैं, मगर वो हां बोलेंगे फिर तो बात बनती है, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के खिलाफ है। अगर संविधान के खिलाफ कांग्रेस पार्टी, जो इस भारत देश में माना जाता है ओल्डेस्ट पार्टी है, वो खुद संविधान के खिलाफ है, तो हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं क्या हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी और उनकी पार्टी के ऊपर मुस्लिम भक्त होने पर सवाल खड़े किए हैं। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।